तरबेला में काना और सयूरी की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। चाहे अब ये मजबूरी की ही शादी क्यों ना हो, पर ये दोनों बंध चुके हैं एक रिश्ते में। काना अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो सयूरी को खुश रखे, उसका ध्यान रखे, उसे कंफर्टेबल फील करवाए, लेकिन सयूरी के पास बहुत ज्यादा बैगेज है और वो पुरानी बातें इतनी आसानी से भूलेगी नहीं। काना तो सब कुछ भूल चुका है और उसे सिर्फ एक ही बात याद है और वो है चीरू भैया से किया हुआ वादा, और वो वादा है सयूरी का ध्यान रखना। लेकिन सयूरी के दिमाग में अभी भी पुरानी चीजें हैं। इस नए घर में आकर वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी और जब काना उसका ध्यान रखने की कोशिश करेगा तो सयूरी उसके जेस्चर्स को इग्नोर कर देगी। सयूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि वो काना पे डिपेंडेंट हो। काना उससे बार बार पूछेगा कि उसने खाना खाया, उसका ध्यान रखेगा, वो गिरने लगेगी तो उसे संभालेगा, लेकिन सयूरी काना के आगे हाथ जोड़कर कह देगी कि वो डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती है। वो अपनी लाइफ वैसे ही जीना चाहती है जैसे वो अभी तक जीती आई है। वो नहीं चाहती है कि काना उसे सपोर्ट करे। इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो भी आउट हुआ जहां पर दिखाया जा रहा है कि काना ऑफिस में है और वो भूल गया है कि सयूरी ने उसके लिए व्रत रखा हुआ है पगफेरे की रस्म के लिए, और यहाँ सयूरी की हालत बुरी होती जा रही है। काना ऑफिस से भागता हुआ सयूरी के पास आता है और उसे डांटता है कि वो ये सब ना करे, जिसके बाद सयूरी बेहोश हो जाती है। काना उसे संभालता है लेकिन वो एकदम से दोबारा बेहोश हो जाती है और काना उसे उठाकर वहां से लेकर जाता है। काना और सयूरी की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत तो गलत टाइमिंग पर हुई है, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार नजर आएगा और सयूरी को भी काना की अच्छी साइड जरूर दिखेगी।